मध्य प्रदेश में माफियों का गुंडा राज लगातार जारी है, चाहे सत्ता हो या सत्ता से बाहर माफियों के हौसले बुलंद है। रायसेन जिले के सिलवानी में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से बेशकीमती लकड़ी ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, जिसमें जब्त की गई लकड़ी की कीमत 3 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। दरअसल इसकी सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर से मिली थी कि जंगल में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी की कटाई की जा रही है। आपको बता दें कि सागौन की यह बेशकीमती अवैध लकड़ी पूर्व मंत्री और सिलवानी से भाजपा विधायक रामपाल सिंह राजपूत के परिवार के घर जा रही थी। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि यह लकड़ी ग्राम केवट पिपरिया स्थित रुद्रपाल सिंह राजपूत के यहां जा रही थी। इस पूरे मामले में वन विभाग ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों को जंगलों की कटाई की सूचना मिल जाती है और स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। वहीं कांग्रेस नेता संदीप शर्मा ने पूरे मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में जंगलों की कटाई होती थी, कांग्रेस सरकार आने के बाद भी बीजेपी माफियों द्वारा खुलेआम जंगलों की कटाई की जा रही है। बीजेपी के नेता और उनके परिवार के लोग कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं वन विभाग की कार्यवाही पर भी कांग्रेसी नेता ने सवाल खड़े किए हैं। जेथारी पीठ में 4 सागौन की लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली पकड़ाए हैं, जिनमें लगभग 104 नग थे और जिनकी अनुमानित लागत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है। इस उक्त प्रकरण में पकड़ाए गए हुए मजदूर, उनके कथन अनुसार ये उक्त ट्रालियां रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री के भाई रुद्रपाल सिंह जी राजपूत की हैं और उनके कहने पर उनके गांव केवट पिपरिया ले जाई जा रही थी। फिर भी इतना सब मामला प्रकाश में आने के बाद भी कहीं ना कहीं अधिकारी इस बात पर पर्दा डालने में लगे हैं और उक्त मंत्री के भाई के नाम को लाइट में नहीं ला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब शिवराज सिंह की सरकार में एक तरफ वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा था और उनके ही मंत्री नाक के नीचे सिलवानी क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई कर रहे हैं और आयात निर्यात कर रहे हैं, जब ये उनके शासन में क्या हाल रहे होंगे, जब शासन चेंज होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी ये स्थिति है। चंद्रशेखर शर्मा, कहाँ रहते हो आप? ये ट्राली जो पकड़ी है लकड़ी की, कहाँ से ला रहे थे? जी, हम ला रहे थे जेथारी। जेथारी जंगल से? अच्छा, किसने भेजा था आपको? पटेल साहब। कौन से पटेल साहब? मंजले पटेल। नाम बताओ। रुद्रपाल सिंह। रुद्रपाल सिंह मंत्री जी के भाई जी। आपको क्या मजदूरी देते हैं वो लाने की? सर, हमको 2500 रुपये। 2500 रुपये भाड़े के? भाड़े के। और ये कहाँ ले जा रहे थे आप लकड़ी?